गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 11। मैंने वो का चैप्टर इज कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वॉच द लूम वीडियो इन विच वी हैव डिस्कस अबाउट द परपेंडिकुलर बायसेक्टर एंड एंगल बायसेक्टर एंड एंगल बाय कंपस। यू नो दैट हाउ वी ड्रॉ एंगल बायसेक्टर एंड परपेंडिकुलर बायसेक्टर एंड एंगल बाय कंपस। In this chapter, we only introduce perpendicular bisector we done in the previous classes and angle bisector and angle by compass we do in this chapter. Okay. Now, the exercise 11.1 we have to full solve and 11.2 only fifth question that we have to solve. First four questions are not in your syllabus according to new revised syllabus. Understand? Now, come to the question, exercise 11.1. Now, Vita, exercise 11.1. The question number 1 is given, construct an angle of 90 degree at an initial point of given ray and justify the construction. Justify answer, that means our measure is right or wrong. Firstly, you have to draw a ray, any centimeter, no need to this one. Okay, draw the ray. रे ड्रॉ कर ली बेटा। नाउ ओपन द कंपास 1 और 2, इट्स एज यू विश, जितना आप खोल सकते हो उतनी ओपन करो। यहाँ पे रख के आपने क्या करना है, सेमी सर्कल ड्रॉ करना। ड्रॉ द सेमी सर्कल लाइक दिस। ओके, नाउ कंपास को उतना ही रखना है। नाउ आर्क लगानी है, जैसे हमने लूम वीडियो में भी किया हुआ। ये एंगल कितना है, 60 का। After that, from the 60 point से या इस point से ही आपने 120 की लगेगी। 120 से फिर ऊपर, ठीक है। इसको हमने कंपास को हिलने नहीं देना। यहां से पहले 60 point से 120 की लगी बेटा। 120 से this one, like का this one। नाउ फ्रॉम द एंगल 120 पॉइंट से आर्क लगानी है। ये इंटरसेक्ट पॉइंट हो गया। नाउ इस हमने पॉइंट को, इंटरसेक्ट पॉइंट को हमने ओरिजिन पॉइंट के साथ मिला देना बेटा। दिस इज ओवर 90 डिग्री एंगल। ओके, आप इसकी वेरिफिकेशन क्या है, आप प्रोटेक्टर से इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हो। वेरिफिकेशन मीन्स वी हैव टू चेक दैट कि जो हमने एंगल मेजर किया है वो 90 का ही है या नहीं। ओके बेटा, नाउ पुट हेयर प्रोटेक्टर इज हेयर दिस वन। ये देखिए, दिस इज अवर 90 डिग्री एंगल। ओके, रे इज फ्रॉम दिस साइड, राइट हैंड साइड। वी चेक एंगल फ्रॉम द डाउनवर्ड। इफ अवर रे इज फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, वी चेक द एंगल फ्रॉम द अपवर्ड साइड। ओके बेटा, 90 इज सेम एट द पॉइंट। ओके, नाउ नेमिंग दिस पॉइंट, पॉइंट से नेम दे दो ए बी एंड सी। ओके, दीज आर रे। नाउ यू हैव टू राइट दिस स्टेप ऑफ दिस एंगल। आपने इसके स्टेप्स भी लिखने हैं, हाउ वी ड्रॉ इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या क्या किया है, स्टेप वन में क्या किया था, ड्रॉ आ रे ए बी। ए बी हमने क्या की थी, रे ड्रॉ की थी। आफ्टर दैट क्या क्या था, टेक ए ओरिजन, टेक ए एज अ ओरिजन, ड्रॉ आ सेमी सर्कल विद ए एम रेडियस। ओके, नाउ फ्रॉम एम वी मार्क आ आर्क टू, सॉरी टू नी, ऑन द सेमी सर्कल। ओके बेटा, हमने आर्क लगाई थी, यही कुछ किया था हमने बेटा, यस और नो। ओके, सिमिलरली फ्रॉम नेक्स्ट वी ड्रॉ आर्क ऑफ 120 डिग्री एंड 90 डिग्री बाइसेक्ट। ओके, वेयर 60 डिग्री एंड 90 डिग्री आर्क इंटरसेक्ट
जहां इन्होंने इंटरसेक्ट किया है, दिस इज अवर 90 डिग्री. ओके, स्टेप वन, स्टेप टू, थ्री, दिस इज अवर स्टेप थ्री फ्रॉम मैम, दिस इज अवर स्टेप फोर. अंडरस्टैंड? अगर हमारा 90 बन गया तो 90 का हाफ क्या होता है? 45. तो देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन में हमें 45 का दिया हुआ है. 45 का एंगल बनाने के लिए हमने क्या करना है? सेकंड क्वेश्चन में पहले सेम एज इट इज 90 बनाना है. आफ्टर दैट सेम 90 बनाने के बाद जितनी आर्क खुली हुई है उतनी ही रखनी है. फिर क्या करना है? एक आर्क लगानी है हमने एम पॉइंट से. एक आर्क यहां से लगे, फिर क्या करनी है? एक आर्क लगानी है हमने इस पॉइंट से. ओके, इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे ताकि हमें इंटरसेक्ट पॉइंट मिल जाए. ये इंटरसेक्ट पॉइंट मिल गया तो दिस इज ओवर. इस ज्वाइन को, इस पॉइंट ओ पॉइंट को रीजन मान के इस इंटरसेक्ट पॉइंट्स के साथ टच कर देना है, ड्रॉ कर देना है, तो क्या आ जाएगा? ये हमारा एंगल 45. अगेन आप वेरिफिकेशन के लिए प्रोटेक्टर से कर सकते हो चेकआउट. देखो बेटा, दिस इज ओवर 45 डिग्री एंगल. ओके, सिमिलरली बेटा वी ड्रॉ 45 का मीन 45 बना के उसके बाद उसका बायसेक्टर ड्रॉ कर दोगे. 30 का बनाना है तो 30 का बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 60 का. 60 का मैं अभी आपको बनाना सिखाऊंगी. ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द एंगल 60. अगेन फॉर 60 के लिए बेटा हमने क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रे लगा लेनी है. फिर क्या करना है? यहां पर सेमी सर्कल ड्रॉ कर दे. सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया. सेमी सर्कल के बाद ये आर्क लगानी है. ये देखो, दिस वन, दिस इज अवर एंगल 60 डिग्री. ये एंगल कौन सा हो गया हमारा? 60 डिग्री का. हमने कौन सा एंगल बनाना है? 30. दैट मीन्स इसका बायसेक्टर कर दो, इस एंगल का. एंगल बायसेक्टर आपको लूम वीडियो में भी बताया था मैंने. दिस इज ओवर एंगल 30. ओके, जो स्टेप है फेयर नोटबुक पे बेटा एक बार ही लिख देना, बट क्वेश्चन एग्जाम में जरूर लिखने हैं. ओके, ए बी सी. अंडरस्टैंड? सिमिलरली यू ड्रॉ द 15 भी 30 का हाफ कर देना. इन द फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? कंस्ट्रक्ट द एंगल, वेरीफाई द मेजर बाय द प्रोटेक्टर. 75, 105, 135. देखो 75 कहां बनेगा? 75 लाइज बिटवीन 60 एंड 90. ओके, 60 प्लस 90 करोगे कितना आएगा? 150 का हाफ करोगे 75 हो जाएगा. तो हमने क्या करना है? पहले 60 की आर्क लगानी है, 60 के बाद 90 की आर्क. ठीक है, दिस वन देखो मैं इसी में ही बना रही हूँ. 75 का ड्रॉ द डॉटेड लाइंस ऑफ 60 एंड जब हमने 75 का करना है तो 60 और 90 की डॉटेड लाइंस करनी है, देन उनका बायसेक्टर ड्रॉ करना है. फ्रॉम 60 पॉइंट से एक आर्क लगाएंगे, एक आर्क हम लगाएंगे 90 वाले पॉइंट जहां ये कट कर गया. दिस इज ओवर एंगल 75. ओके, सो वी कैन से दैट कि एंगल ए ओ डी इज 75 डिग्री. एंगल ए ओ सी कितना है हमारा? 60. और एंगल ए ओ बी कितना है हमारा बेटा? 30 डिग्री. अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? नाउ मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करना है. इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? हूज, उस चीज की ऑल साइड्स और एंगल इक्वल होते हैं. तो सबसे हमने क्या करना है? हमें कोई भी लाइन सेगमेंट नहीं गिवन की कितनी लेनी है. हमने क्या करना है बेटा? कितनी मर्जी भी लो, लेट अस आई विल टेक 5 सेंटीमीटर. ओके, मैंने 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट कर ली. आफ्टर दैट क्या करना है? इसको नेम दे दो ए बी. फर्स्टली आपने क्या करना है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मीन्स ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री. एंगल ए और बी पॉइंट पे आपने 60 डिग्री का एंगल बनाना है. देखो, फ्रॉम द ए पॉइंट रे इज राइट हैंड साइड, सो एंगल 60 इज मेक टू द राइट हैंड साइड. ओके, सो दिस इज ओवर एंगल 60. सिमिलरली फ्रॉम बी से अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारी रे लेफ्ट हैंड साइड है, तो हमारा एंगल भी किस साइड होगा? हमारा लेफ्ट साइड 60 होगा. ओके, नाउ ज्वाइन दिस एंगल पॉइंट. एंगल पॉइंट को ज्वाइन करो, दिस वन, अगेन दिस वन. ओके, जहां ये कट कर गए ये हमारा पॉइंट हो गया सी.
ओके, ये एंगल भी क्या होगा हमारा 60 डिग्री होगा। अब जब इसकी मेजरमेंट करोगे तो जितना हमारा बेस था उतनी ही वो आएगी। ओके बेटा, अंडरस्टैंड? राइट, राइट डाउन योर नोटबुक। ओके, नाउ जो 11.2 एक्सरसाइज है बेटा, वो आपके एग्जाम ऑफ व्यू में नहीं आएगी, बिकॉज यू नो दैट अकॉर्डिंग टू COVID-19 आवर सिलेबस इज रिड्यूस, सो दैट्स वाई 11.2 इज नॉट इन योर सिलेबस, बट ओनली 5th क्वेश्चन इज इन योर सिलेबस। ओके, दैट मीन्स आई विल डिस्कस ओनली 5th क्वेश्चन विद यू ऑफ द एक्सरसाइज 11.2। नाउ इन द 11.2 में हमें क्या गिवन है, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल हूज बेस इज 12 एंड सम ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज एंड अदर साइड इज 18। दैट मीन्स हमें राइट एंगल ट्राइंगल की पहले हमने रफ डायग्राम बना लेनी है। ओके बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, बेस गिवन है हमें 12 एंड सम ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड अदर साइड, दैट मीन्स दिस साइड और दिस साइड, मीन्स एक्स प्लस वाई इज वी हैव टू गिवन 18 सेंटीमीटर। ओके, नाउ बेटा वी हैव गिवन हाइपोटेन्यूज एंड अदर साइड सम इज 18, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 18, इट इज अवर राइट एंगल ट्राइंगल, तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट हाइपोटेन्यूज स्केयर किसके इक्वल होता है, बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर के इक्वल होता है। तो अप्लाई दिस फॉर्मूला, वाई की वैल्यू हमने यहां से पुट कर लेनी है, देखो एक्स प्लस वाई 18 है तो वाई किसके इक्वल आएगा, 18 माइनस एक्स के इक्वल आएगा हमारे पास, तो पुट दिस वैल्यू एंड सॉल्व द फॉर्मूला, अप्लाई आइडेंटिटी लगानी है बेटा हमने, ए माइनस बी की होल स्केयर किसके इक्वल होता है हमारे पास, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। ओके बेटा, नाउ एक्स वाले एक साइड कर लेने, ट्रांसफर द इक्वेशंस, ट्रांसपोज करना हमने इक्वेशंस का, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास एक्स कितना आ गया 13 और वाई कितना आ गया 5। अंडरस्टैंड? नाउ यू ड्रॉ द डायग्राम, हमारे पास एक्सरसाइज सारी मिल गई। पहले हमने आपने क्या करना है बेटा, जस्ट आई विल गिव टू यू हिंट, पहले आपने 12 सेंटीमीटर का बेस ड्रॉ करना है, आफ्टर दैट 90 डिग्री का एंगल बनाना है, बिकॉज वन एंगल इज 90 डिग्री, फिर 5 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है, फिर जहां आर्क और इस बेस पॉइंट को ज्वाइन कर देना, तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। यू हैव टू ट्राई योर सेल्फ। ओके, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी, इस एक्सरसाइज में से सिर्फ आपने लास्ट ही क्वेश्चन करना है और कोई क्वेश्चन भी नहीं करना। अंडरस्टैंड?